राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज। राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर सांभर झील में हजारों पक्षी अपनी जान एक अनजान कारण से गंवा चुके हैं। मामले में सीएम के दखल के बाद तमाम विभाग भी जी जान से हालात काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिंदों की मौत का सिलसिला अभी भी थमा नहीं। अब तक सांभर झील में पक्षियों की मौत का सरकारी आंकड़ा 16,500 को पार कर चुका है। चिंता की बात यह है कि पक्षी त्रासदी के सामने आने के बाद 10 दिन भी बुनियादी सवाल वही का वही है। पक्षियों की मौत का कारण क्या है? वन विभाग के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो मारे गए पक्षियों की 16,500 को पार कर चुकी है। जिंदा रेस्क्यू किए गए पक्षियों की तादाद 450 के पार है। जयपुर जिले के अलावा नागौर जिले से सटे झील क्षेत्र में भी पक्षियों के मौत के मामले सामने आए हैं, जहां पर पक्षियों को बचाने का काम जारी है। मामले में कई विभाग की टीम मौके पर काम कर रही है। वहीं IVRAI बरेली की एक टीम भी जल्द ही मौके का मुआयना करेगी। दरअसल सांभर झील में हर रोज बीमार और मृत पक्षियों को निकलवाया जा रहा है। इनमें देशी व विदेशी पक्षियों की कई प्रजातियों के पक्षी शामिल है। वहीं भारी तादाद में सांभर झील में मौत होने की जानकारी मिलने के बाद सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के डॉक्टर मुरलीधरन ने सांभर झील में पक्षियों के मरने वाले स्थान रतन तालाब व झपोक डैम पर पहुंचे। उन्होंने वहां पक्षियों की मौत के कारणों को जानने की कोशिश की तो स्थिति और विकराल नजर आई। रेस्क्यू ऑपरेशन की सीमा और जांच के दायरे के साथ साथ पक्षियों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता गया। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।